हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ अपने यूट्यूब के पेमेंट के बारे में आप लोगों को बताने के लिए। माइक को थोड़ा सा पास रख लेती हूँ, ठीक है? थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड का साउंड आएगा। तो भाई देखो, यूट्यूब पेमेंट के बारे में आप लोगों को पूरा स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जानना पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ नहीं है, हम लोगों को पहले तो हमारा चैनल मोनेटाइज करना पड़ता है। मोनेटाइज करने के बाद हमें येलो डॉलर और ग्रीन डॉलर देता है। तो जो ग्रीन डॉलर होते हैं उससे हमें इनकम होती है, जो येलो डॉलर होते हैं उससे हमें इनकम नहीं होती है, ठीक है? फिर जो ठीक है, मोनेटाइज वगैरह हो गया, फिर एक एडसेंस अकाउंट बनता है, उसमें हमें हमारी पेमेंट दिखाती है कि यहाँ कितने आपके बन गए हैं, ठीक है, पैसे। और जब एक्सेंस अकाउंट में हमारे को $100 का एक टारगेट दिया होता है, ठीक है, $100 का एक टारगेट दिया होता है जिसको हमें पूरा करना होता है। तो जब जैसे ही है ना, $100 का टारगेट पूरा होता है तो हमारी पेमेंट हमारे अकाउंट में डेबिट हो जाती है। पर मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे $100 कंप्लीट हुए ही थे, मतलब मैं पेमेंट को रिसीव करने ही वाली थी और मेरा चैनल डीमोनेटाइज कर दिया यूट्यूब ने। और डीमोनेटाइज का कारण मेरा खुद का ही था, क्योंकि मैं मेरे ओल्ड वीडियोस को अपलोड कर रही थी, उनको सेव करके मैंने वापस से यूट्यूब पे अपलोड किया था, मतलब कोई चेंजेस नहीं किए थे उसमें और अपलोड कर दिया था। और बहुत सारे वीडियो मैंने सेव कर करके अपलोड कर दिए थे, इस वजह से मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया। और आप लोग भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो आप मत करना, ठीक है? तो फिर मेरे $100 हो गए थे पूरे, $100 नहीं, $103 हो गए थे, ठीक है? सीधे $100 करेंगे तो एडसेंस अकाउंट में या तो $98 जुड़ेंगे या 99 जुड़ेंगे, पूरे 100 नहीं जुड़ेंगे। मेरे $103 हो गए थे तो मेरे अकाउंट में $100 ऐड हो गए थे, ठीक है? फिर मुझे लगा कि अब मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया है तो मैं मेरा पेमेंट रिसीव नहीं कर पाऊंगी। मैंने बहुत सारे वीडियो भी देखे, उसमें भी लिखा हुआ था कि पेमेंट होल्ड हो जाती है, नहीं मिलती है। लेकिन अगर मेरे $99 या 98 या $80 होते तो मुझे पेमेंट नहीं रिसीव होती, उसके लिए मुझे पूरे $100 करना पड़ता। लेकिन मेरे $100 ऐड हो गए थे। फिर मैंने मेरा बैंक अकाउंट ऐड किया और मुझे परसों 9 तारीख को मैसेज आया कि भाई मेरे अकाउंट में ₹8,000 डेबिट हो गए हैं। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरे पेमेंट तो मिला, एक पे फर्स्ट पेमेंट मिला, पर मिला तो सही, ठीक है? तो उसमें ₹40 हमारे टैक्स के कट जाते हैं और बाकी के पैसे हमें मिल जाते हैं, ठीक है? तो मेरे इस तरीके से मुझे मेरा पेमेंट रिसीव हो गया है और मुझे 2 साल वर्क करते करते हो गया था यूट्यूब पे और अब मुझे फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुआ है। और अगर आप लोग भी अच्छे पैसे कमाना चाहते हो तो आप क्रंच की फील्ड को छोड़ दो, या फिर आप क्रंच के वीडियो से सब्सक्राइबर गेन कर लो, क्योंकि अब क्रंच वीडियो से मोनेटाइज तो मुश्किल है ना? तो आप सब्सक्राइबर गेन कर लो और फिर आपके वीडियो को डिलीट कर दो, फिर किसी और कैटेगरी को अपलोड करो और फिर अपना चैनल मोनेटाइज के लिए भेजो। अब यह चैनल जो मेरा है जो डीमोनेटाइज हो गया है, उसके लिए मुझे 22 तारीख दी है, तो 22 तारीख के बाद अब देखते हैं क्या होता है। मैंने मेरे सारे वीडियो प्राइवेट कर दिए हैं तो मेरा वॉच टाइम आवर 0 हो चुका है, ठीक है? क्योंकि 365 दिन का ही वॉच टाइम हावर जुड़ता है और मेरे को तो 2 साल हो गए हैं उन वीडियो को डाले हुए, तो उनका वॉच टाइम हावर नहीं जुड़ रहा है। मैंने मेरे वीडियो प्राइवेट कर दिए, इसलिए मैं क्लीनिंग वीडियो डाल रही हूँ, तो आप लोग मुझे इस पर सपोर्ट करो। और मैंने न्यू चैनल बनाया है क्रंच वीडियो के लिए, तो आप लोग उस पर भी सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच आप लोगों के सपोर्ट के लिए, शुक्रिया। आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल लगी होगी। और आपको कुछ और भी पूछना है आप सब मुझसे पूछ सकते हो, मैं हर चीज़ के बारे में आप लोगों को बता दूंगी। मैं फ्री हूँ, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ, सबको रिप्लाई देती हूँ, ठीक है? शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्रोइंग।